राजस्थान की सियासत बहुत बड़े बड़े मोड़ ले रही है और ऐसा कभी भी इससे पहले नहीं देखा गया कि राजस्थान का सीएम चुनना इतना मुश्किल, इतना जटिल हो गया हो कि बार बार लगातार कई दिनों से मैराथन बैठकें चल रही है। 3 से ज्यादा बार तो पीएम मोदी के घर पर, कभी पीएम मोदी और अमित शाह के बीच, तो कभी पीएम मोदी जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच, तो कभी पीएम मोदी और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकातें, ये बातें, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे की बैठकें सिर्फ इसलिए हुई है कि सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा किसका होगा। और जिस तरीके से दिल्ली दौड़ लगाई जा रही है, आप इस बात पर गौर फरमाइएगा कि मध्य प्रदेश को लेकर अभी तक कोई दिल्ली नहीं गया, न शिवराज सिंह गए, न कैलाश विजयवर्गीय गए, न समर्थक गए, न कोई और, लेकिन राजस्थान को लेकर दिल्ली दौड़ इस कदर तेज होना। वसुंधरा राजे भी दिल्ली में, बालकनाथ भी दिल्ली में है, दिया कुमारी भी दिल्ली में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी, किरोड़ी लाल मीणा भी, वसुंधरा राजे और उनके बेटे दोनों पहुंच गए हैं दिल्ली और लगातार दिल्ली दौड़ जारी है। सीपी जोशी भी दिल्ली जा चुके, और कहीं ना कहीं ये दिल्ली दौड़ बताती है कि राजस्थान का सीएम चुनना इस बार आलाकमान के लिए भी क्या एक चैलेंज साबित हो रहा है। और ये चैलेंज साबित अगर हो रहा है तो क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वसुंधरा राजे है? वसुंधरा राजे क्या इस मोदी लहर में, देखिए इस बात को समझना होगा, इस बार की मोदी लहर पिछली किसी भी बार की मोदी लहर से बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी और बहुत ही भव्य है, क्योंकि इससे पहले कभी भी विधानसभा चुनावों में मोदी का इतना असर देखने को नहीं मिला। और अब कहीं ना कहीं मोदी जो है वो पूरी और राजनीति को, देश की हर राजनीति को ऑप्शन लेस कर चुके हैं, हर जगह बस मोदी मय हो चुकी है। ऐसे में कौन सा विधायक ऐसा रिस्क ले सकता है कि वो मोदी से बगावत कर दे? लेकिन वसुंधरा राजे ने सबसे पहले जो डिनर पॉलिटिक्स की, उसके बाद जो होटलों में कुछ विधायकों के जाने की बात आई, उसके मास्टरमाइंड दुष्यंत सिंह को बताया गया, और उसके बाद उन्हीं के साथ वो दिल्ली में वसुंधरा जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करी, ये सारी क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत कुछ बता रही है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे क्या बड़ा दिल दिखाएगी या फिर बगावत करके जाएगी? और अभी के समय करने वाली बगावत, देखिए वो दौर दूसरा था, वो दौर दूसरा था जब गुलाब चंद कटारिया ने रथ यात्रा निकाली, और रथ यात्रा निकालते ही वसुंधरा ने कहा इस्तीफा देना है, विधायकों को इस्तीफों की झड़ी लग गई। और ये दौर दूसरा है, ये दौर पूरी तरह से दूसरा है, जब डिनर पॉलिटिक्स हुई तो उसके बाद भी 47 में से 3 विधायक केवल बोले कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बाकी के मुंह से निकला भी नहीं। समझना पड़ेगा इस बात को कि अब युग प्रधानमंत्री मोदी का आ चुका है, और इसमें बगावत करने वालों को बहुत मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी को बगावत करने के बाद, मोदी से बगावत करने के बाद उनके मोहल्ले में उनको लोग ना पूछे, ऐसी स्थिति आ सकती है। अब भारत का, राजस्थान का परिपेक्ष जो है राजनीति का, वो पूरी तरह से बदल चुका है, और इस बदलती हुई राजनीति में ये बगावत शायद करने का रिस्क वसुंधरा राजे भी नहीं लेगी। समझना होगा इस बात को कि वसुंधरा राजे सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत वक्त से पॉलिटिक्स कर रही है, जानती है, समझती है हवाओं का, लहरों का क्या मतलब होता है, और किस तरह से इमोशंस जनता के मैटर करते हैं, ये वसुंधरा राजे जानती है। और इसीलिए वसुंधरा राजे ना तो अपने करियर को, ना अपने बेटे के करियर को ताक पे लगाएगी। और अगर इस सब के पीछे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी है, जिस तरह से चर्चाएं चलती है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दोस्ती बहुत आम हो चुकी है, लेकिन उस दोस्ती के बावजूद भी भले ही अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे का इस्तेमाल किया हो इस पूरे चुनाव में और बोला हो कि वसुंधरा राजे की वजह से सरकार बची थी, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसी गलती फिर भी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अनुशासनहीनता होती है, बीजेपी वैसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन सारी बातों को समझना होगा, जानना होगा, और कहीं ना कहीं इन बातों को बहुत गहनता से हमें लेना होगा। इसी से हमें समझ में आएगा कि क्या
बीजेपी जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है वो हो पाएगा। देखिए इसको समझने की बहुत जरूरत है। अभी तक वसुंधरा राजे जब भी मुख्यमंत्री रही वो सरकार रिपीट नहीं करवा पाई, और अब बीजेपी बहुत गंभीर है इस बात को लेकर कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ना हो, और इसके लिए बीजेपी कुछ बदलाव करना चाहेगी। जिस तरह से इस बार चुनाव में जो लोग उतारे गए उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला, उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर पद के लिए भी बदलाव हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए जाएंगे। ऐसा भी राजस्थान में दूसरी बार होगा भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा इससे पहले केवल भैरव सिंह शेखावत की सरकार में एक बार डिप्टी सीएम बना चुकी है, वो भी तब जब भैरव सिंह बहुत ज्यादा बीमार थे और उनकी जगह चार्ज किसी को संभलवाना था, सिर्फ तब ऐसा हुआ था। नहीं तो अभी तक बीजेपी में कभी भी डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, लेकिन इस वक्त ऐसा हो सकता है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, लोगों को खुश करना है। पर वसुंधरा राजे को सीएम से छोटा पद भी नहीं दिया जा सकता। कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर वसुंधरा राजे को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या ये बात हो जाएगी कि केंद्र कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के आगे घुटने टेक देगा। अगर इस तरह की बात होती है तो एक बहुत गलत मैसेज भी जा सकता है। तो देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है क्या, राजस्थान में भी कोई ऐसा चेहरा सामने आता है क्या जिसको देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं लोग, और वसुंधरा बगावत करने की रिस्क ले सकती है क्या, क्योंकि आगे उनका भी करियर पड़ा है और उनके बेटे का भी करियर बाकी है। और ऐसे में वसुंधरा राजे जितनी समझदार नेता ऐसी गलती करेगी ऐसा बहुत ही कम लगता है। और वसुंधरा राजे भी खुद अब एक उम्र के पड़ाव पर है ना, ऐसे पहले जैसे वसुंधरा राजे की लहर रही है, मोदी की लहर अब बहुत प्रचंड और बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। एक वक्त था जब वसुंधरा राजे से मिलने का समय प्रधानमंत्री मोदी भी लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा वक्त नहीं है, अब पूरा वक्त पलट चुका है, स्थिति पलट चुकी है। ऐसे में वसुंधरा क्या करेगी क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और समझने वाली बात ये भी होगी कि किसी भी किस्म की बगावत अगर कोई भी करेगा तो बीजेपी इसे अनुशासनहीनता समझेगी, और अनुशासनहीनता दंड प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में बड़ा हो सकता है, इस दंड को भी समझना होगा। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि रविवार तक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सोमवार तक सीएम का फैसला हो जाएगा। देखना अब यह है कि सीएम का असली फैसला कब होता है। ऑब्जर्वर्स भेजने की बात बहुत तेजी से की जा रही है, तो आज में ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होकर नाम भी सामने सोमवार तक या रविवार तक आने की उम्मीद बताई जा रही है। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, हमारी बात से कितने सहमत है कमेंट करके बताएं। नमस्कार। नमस्ते। आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल इंडियन स्पोक्सपर्सन फॉर योर बिजनेस प्रमोशन? लुक नो फर्दर। आई एम वरुण, एन एक्टर स्पोक्सपर्सन विद 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस। वेदर यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.